नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री बांके बिहारी मंदिर के रहस्य के बारे में। दोस्तों, श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण का धाम माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र धाम है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के लिए फेमस है और आज भी कई लोग भगवान को उसी वृंदावन में कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। आज भी कई लोगों की आस्था है कि राधा कृष्ण की रास लीलाएं शाम के समय यहाँ होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला इतनी ऊर्जावान होती है कि उसे देखी जा नहीं जा सकती। तो चलिए जानते हैं कृष्ण जी के वृंदावन धाम की ऐसी रहस्यमय बातें, तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण 1864 में करवाया था। एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। यह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा, इसलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहां पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन को व्यवस्था की गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं, क्योंकि ताकि कोई निरंतर उन्हें देख ही ना सके। दोस्तों, मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्त से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसीलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन संपन्न हो जाता है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत बाल लीलाएं हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि शाम के समय भगवान राधा और गोपियों के साथ आज भी रास लीला रचते हैं, इसीलिए शाम होने पर यहाँ कोई मनुष्य या पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई उन्हें रास लीला करते देख लेते हैं तो वह उनकी अपार ऊर्जा शक्ति को सहन नहीं कर पाता। रात में बांके बिहारी जी रास करते हैं, इसीलिए उनके आराम करने के लिए के समय पे इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। यहाँ पर हर वर्ष माघशेष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी का प्रगटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपनी राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न किया करने की कोशिश करते थे। उनके संगीत में इस भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपया करके हमें भी दर्शन का लाभ दें। हरिदास जी उनके पास फिर से भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने को इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको जो लंगोट पहना कर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने उनका नाम बांके बिहारी रखा।
एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया था। वह दोनों वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वो लोग वहां पर रुक गए और बांके बिहारी जी के दर्शन किए। वह स्त्री के पति ने अब उसको वापस घर आने को कहा। तब उस स्त्री ने बांके बिहारी जी को प्रार्थना की कि वह हमेशा उनके साथ ही रहे। फिर दोनों घर जाने को निकल गए। वो लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे। तभी बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे कि मुझे भी साथ ले जाएं। इस तरह मंदिर के पुजारी ने मंदिर में से बांके बिहारी जी को गायब देखा और वे श्री कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव में को समझ गए। तुरंत ही वह उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बालक रूप बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक वहाँ से गायब हो गया और पुजारी वापस मंदिर लौटकर आए तो भगवान वहीं पर ही थे। फिर भगवान के दर्शन किए। ऐसी घटना होने से पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बांके बिहारी जी की सेवा में अपना सारा जीवन अर्पण किया। तो दोस्तों, यह था हमारे बांके बिहारी जी का स्वरूप। कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट हैं, कितने क्यूट हैं हमारे बांके बिहारी। तो एक बार जरूर बांके बिहारी वृंदावन के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, खुशनुमा बनाएं। जय श्री राधे।